लाइट की बीम है जिसकी वेवलेंथ 300 नैनोमीटर है, फॉल ऑन ए फोटो इलेक्ट्रिक इमीटर, जो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकता है या जिससे निकल रहे हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इमीटर्स है। अब एक कहता है कि दूसरा इमीटर है जिस पे वेवलेंथ 600 नैनोमीटर पड़ा और सफिशियंट क्रिएटिंग फोटो है। दोनों केस में ये पहला पार्ट है, दोनों पार्ट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। प्यारे बच्चों इज सफिशियंट टू, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वर्क फंक्शन ऑफ द टू, दोनों के वर्क फंक्शन का रेशियो निकालना है। तो अगर कोई मेटल का सरफेस है प्यारे बच्चों, दिस इज द मेटल सरफेस, तो अगर इस मेटल के सरफेस का वर्क फंक्शन देखोगे तो वर्क फंक्शन की वैल्यू एच न्यू है, तो ये एच न्यू नॉट तो सी अपन लैम्डा नॉट वेवलेंथ, मतलब वर्क फंक्शन यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा नॉट के, क्योंकि एच सी की वैल्यू कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है प्लैंक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट। तो ये यहाँ से फाई की वैल्यू प्रोपोर्शनल है लैम्डा नॉट के। तो हमें कहता है कि व्हाट इज द रेशियो वर्क फंक्शन ऑफ द टू इमीटर, पहले इमीटर का वर्क फंक्शन फाई वन है और दूसरे का फाई टू है, तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहले वाले में 600 नैनोमीटर का पड़ा और दूसरे वाले में था वो 300 का पड़ गया, तो ये आ जाएगा मतलब 2:1 इज़ द फाइनल सोल्यूशन, मतलब हम लोग का